नमस्ते, कैसे हम सब लोग। सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग की सक्सेस स्टोरी अनब्लॉक हो गए। ये सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग, अब यहाँ पर जादू प्रैक्टिस है। 15 दिन जहाँ पर आपसे जादू प्रैक्टिस फॉलो ही नहीं की जा रही है, वहां पर लोग डबल टाइम लग करके जादू प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको मिल रहे हैं 500 परिणाम। और अगर आपको परिणाम नहीं मिल रहे ना, आप टेंशन मत लो, लाइफ है यार। आप बैक टू बैक जादू प्रैक्टिस करते जाइए, आज नहीं तो कल आपको परिणाम जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए सक्सेस स्टोरी शुरू करते हैं। हेलो दी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स को कि उन्होंने आपको मेरी लाइफ में भेजा है। आई लव यू दीदी। यस, ये मेरी सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग वाली सक्सेस स्टोरी है। मेरी का झगड़ा हो गया था। देखिए, गलती से शायद इन्होंने टाइप कर दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरी फ्रेंड का झगड़ा हो गया था। मे बी या तो ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड का या फिर बॉयफ्रेंड का झगड़ा हो गया था, या फिर ये लाइन है। अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी देखें तो प्लीज आप मेंशन कर दीजिएगा कि आपने यहाँ क्या लिखा है, लेकिन ये शेयर कर रही हूँ मैं फिर भी। मेरी फ्रेंड में लगा के चल रही हूँ। मेरी फ्रेंड का झगड़ा हो गया था। हमारी बिल्कुल बात बंद थी। हमने एक दूसरे से एक साल से ज्यादा ब्लॉक किया हुआ था। मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नल में एक खराब रिश्ते में उसके लिए लिखा था। और मेरा 15th डे ही था सेल्फ हीलिंग वाली सीरीज का। मैंने देखा उसने मुझे अनब्लॉक कर दिया। हाँ, अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है, बट आई एम श्योर ये भी बहुत जल्दी होगी। मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ किसी रीजन से, बट मैं फिर से करूँगी स्टार्टिंग से लास्ट तक। ये सच है, जादू से कम नहीं था ये सब कुछ मेरे लिए। एक साल से नहीं हुआ था, वो 15 दिन में हो गया। थैंक यू यूनिवर्स जी, थैंक यू दीदी। आई लव यू। ऐसे मेरी लाइफ में खुशियाँ भरते रहो। मैं सक्सेस स्टोरी शेयर करती रहूं। अच्छा, मैं सक्सेस स्टोरी शेयर करती रहूं। ओके, ठीक है। देखिए, जब आप जादू प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत अलग से कुछ सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो वो एक बेस्ट वे है कि आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मेंटली भी आपको अच्छा लगेगा और फिजिकली भी आप फिट होना शुरू कर देंगे। वेट कम है तो बढ़ने लगेगा, वेट ज़्यादा है तो कम होने लगेगा, लेकिन आपको एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ ठीक से फॉलो करना पड़ेगा। इतनी बढ़िया है ना जादू प्रैक्टिस, इतनी बढ़िया है कि मैं नहीं छोड़ पाई हूँ। मैंने उसे अपनी खुद की जिंदगी में से निकाल करके आप लोगों के साथ में बनाया है, शेयर किया है, क्योंकि उसकी जिंदगी की एक एक चीज मेरी खुद की लाइफ से जुड़ी हुई है। और मैंने उसको, वो तो सिर्फ प्रैक्टिस है, समझिए मेरी खुद की पूरी जिंदगी उसमें चलती है। मैं उस प्रैक्टिस में ही रहती हूँ, मैं सांस ही उस प्रैक्टिस में लेती हूँ। तो आप समझिए, आप जब उसे थोड़ा कंटिन्यू फॉलो करते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि इनकी छूट गई थी किसी वजह से, ऐसी कोई वजह ही नहीं बन पाएगी एक टाइम के बाद कि वो छूटे। आप सब कुछ करते हुए भी आराम से कर लेंगे, आप ट्रैवल करते हुए भी उसको आराम से कर लेंगे, आप कोई परेशानी वाले समय में भी उस प्रैक्टिस को आराम से कर लेंगे, आप कोई बहुत धांसू टाइम चल रहा है जहां पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, शादी ब्याह मजेदार कुछ चीजें हो रही है, वहां पर भी आराम से कर लेंगे। बट वही बात है कि आप कितना उसको कंटिन्यू करते हैं, कंसिस्टेंसी किस लेवल की है, किस लेवल का आपने उसको कंटिन्यू फॉलो किया है, तो आप जाकर के डियर वो आपकी जो लाइफ है ना, वो लाइफ स्टाइल बन जाएगा और वैसे आप हो जाएंगे, और जैसे आप हो जाएंगे वैसे आप अट्रैक्ट करने लगेंगे। अपने अपने की गाल अपने उसकी जो ढेर सर पर कल के भी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, सौरभ, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। Ta-da!